साल पहले जब स्कूल से पास आउट होकर मैंने कॉलेज की ओर जाना शुरू किया तो मुझे अपनी लाइफ की एक ब्रांड न्यू शुरुआत करनी थी। एंड टू राइट दिस न्यू चैप्टर ऑफ हिस्ट्री इन माई लाइफ आई वॉन्टेड ब्रांडेड शूज, क्लोथ्स, बेस्ट फोन, बट इन सब चीजों को फाइनेंस करने के लिए मुझे चाहिए थे फंड्स एंड मिलती थी पापा मम्मी से पॉकेट मनी। पापा मम्मी से पॉकेट मनी लेती थी तो होती थी एक सेल्फ गिल्ट, क्या मैं इतनी सारी पढ़ाई करके अपने आप को सस्टेन नहीं कर सकती। तो इस गिल्ट को दूर करने के लिए मैंने अडॉप्ट की कई सारी स्ट्रेटजीज ऑन हाउ आई कैन बिकम फाइनेंशियली सेल्फ डिपेंडेंट। The first trick is to leverage your subject matter expertise. For example, आप कॉलेज में कंप्यूटर साइंस या फिर IT related course pursue कर रहे हो तो आप बच्चों को ट्यूशन्स दे सकते हो to impart skills of coding and other IT related skills. और otherwise आपने अगर किसी competitive exam की तैयारी की, for example NEET and IIT JEE, तो आप बच्चों को guidance दे सकते हो on how they can prepare a roadmap to clear these competitive examinations. And India में तो वैसे भी ट्यूशन सर्विसेज एंड एजुकेशन सेक्टर तो हमेशा से ही फ्लरिश करता रहा है और करेगा भी। एंड सेकेंड इज लर्न न्यू स्किल्स एंड स्टार्ट अ साइड हसल। अब स्कूल से पास आउट होने के बाद मेरे को लगता था कि मेरी कम्युनिकेशन एंड स्पीकिंग स्किल्स बहुत ही वीक हैं। तो इसलिए कॉलेज जाने से पहले आई गॉट माई सेल्फ एनरोल्ड इन अ पब्लिक स्पीकिंग ऑर्गेनाइजेशन सो दैट आई कुड होन My communication and public speaking skills. So, अगले 2 साल लगा कर मैंने जी जान से अपनी skills improve की of speaking, जिसकी वजह से मुझे opportunity मिली to work as a YouTube anchor for this channel of Money Tales. And आप इस वजह से मुझे देख सकते हो that I am using my skills of public speaking to become self-dependent financially. So, learn new skills in an area you are interested in and start a side hustle. And third is, take a paid internship. अब कोविड पैंडेमिक के बाद तो समझो ऑनलाइन कोर्सेज की बाढ़ आ गई हो। आजकल कई सारे यूट्यूबर्स फ्री ऑफ कॉस्ट आपको कितनी स्किल्स सिखा देते हैं एंड कई सारे सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स अपने ऑनलाइन कोर्सेज सेल करते हैं। सो यू कैन यूज दिस अपॉर्चुनिटी ऑफ ई लर्निंग टू गेन सम स्किल्स बाय सिटिंग फ्रॉम द कम्फर्ट ऑफ योर होम एंड डू एन इंटर्नशिप बेस्ड ऑन द सेम। फॉर एग्जाम्पल आजकल डिजिटल मार्केटिंग की इंडस्ट्री तो बूम पे है, तो आप घर बैठे बैठे एक ऑनलाइन कोर्स कर सकते हो डिजिटल मार्केटिंग एंड देन यूज द स्किल्स ऑफ मार्केटिंग ऑन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एंड वर्क विद अ स्टार्टअप और एन एस्टैब्लिश्ड एंटरप्राइज। एंड फोर्थ इज स्टार्ट ब्लॉगिंग। अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट मैटर के बारे में बहुत ही पैशन है या फिर आपको जनरली रीडिंग एंड राइटिंग में इंटरेस्ट हो, देन यू कैन सक्सेसफुली वर्क एज अ कॉन्टेंट क्रिएटर और ब्लॉगर। तो आप एज अ ब्लॉगर अपने ब्लॉग्स लिख सकते हो एंड देन यू कैन स्टार्ट अर्निंग मे बी एज एन अफिलिएट मार्केटर और यू कैन इवन स्टार्ट राइटिंग कॉन्टेंट फॉर सोशल मीडिया पेजेस ऑफ स्टार्टअप्स। एंड अगर आप किसी सब्जेक्ट मैटर को लेकर एक्सट्रीमली पैशनेट हो, देन यू कैन इवन स्टार्ट एन ऑनलाइन कोर्स और स्टार्ट अ यूट्यूब चैनल और इवन राइट अ स्मॉल ई बुक ऑन दैट टॉपिक एंड सेल्फ पब्लिश इट ऑन एन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लाइक Amazon. And अगर आपका content timeless है, then it becomes an asset for you throughout the life. And the fifth and the most important way to become financially self-dependent in long run is investment. अब आप अपनी internship से या side hustle से चाहे जितना ही छोटा sum क्यों ना कमा रहे हो, 1,000, 2,000 या even 500, then set aside some amount of money for investment and saving. You can invest in share markets and stocks which can generate a return for you in the long run. And one bonus tip, act now. कई बार ये सारे टिप्स ऑफ ब्लॉगिंग, इंटर्नशिप एंड डूइंग अदर थिंग्स टू बिकम फाइनेंशियली फ्री फ्रॉम टेकिंग मनी फ्रॉम पेरेंट्स आर अवेलेबल ऑनलाइन, बट एक चीज जो हम सबको रोकती है वो है लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस। वी हेजिटेट फ्रॉम टेकिंग दैट फर्स्ट स्टेप। पर ये हेजिटेंसी तो मुझे भी हुई थी व्हेन आई स्टार्टेड वर्किंग एज अ यूट्यूब एंकर, बट ऑल दैट वॉज नीडेड वॉज दैट इनिशियल फोर्स अ पुश टू टेक द फर्स्ट स्टेप। क्योंकि जब हम करना शुरू करते हैं ना तो किसी ना किसी तरह चलता जाता है। एंड वंस आई स्टार्टेड मेकिंग वीडियोज इट एक्चुअली स्टार्टेड बिकमिंग इजियर फॉर मी टू शूट मोर।